नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। पीएम 11 लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। शिमला से किसान सम्मान निधि 11वीं किस्त करेंगे जारी। सीएस ने ली अधिकारियों की बैठक। जी हां, हिमाचल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सुबह के मुख्य सचिव राम सुबह सिंह ने इस बाबत मंगलवार दोपहर बाद विभागीय सचिवों की अहम बैठक ली। इसमें 31 मई के पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने की हिदायत दी। हिमाचल हाईकोर्ट का मिलेगा 27वां चीफ जस्टिस। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज अजमत ए सईद के नाम की सिफारिश। जी, बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 27वां चीफ जस्टिस होंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस अजमत ए सईद के नाम की सिफारिश की है। हिमाचल में भरे जाएंगे डॉक्टरों के 138 पद। हेल्थ डिपार्टमेंट को वित्त विभाग से मिली मंजूरी, जल्द होंगे वॉक इन इंटरव्यू। जी, हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द डॉक्टरों के 138 पदों को भरेगा। वित्त विभाग से स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों के इन नए पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टरों के पदों को भरा जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए विभाग जल्द शेड्यूल जारी करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में डॉक्टरों के 500 नए पद भरने की घोषणा की थी, जिसके चलते अभी पहले चरण में 138 पदों को भरा जा रहा है। सोलर रूफटॉप पावर योजना, बिजली बोर्ड की सहमति न मिलने से लोग लाभ से वंचित। योजना पर केंद्र 40% और राज्य सरकार दे रही है 6000 रुपये सब्सिडी। जी, केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट योजना का हिमाचल की जनता लाभ नहीं उठा पा रही है। कारण, बिजली बोर्ड के SDO से प्लांट लगाने के लिए लोगों को सहमति नहीं मिल पा रही है। बोर्ड के SDO से सहमति मिलने पर ही लोग हिम ऊर्जा को अप्लाई कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड के SDO अपनी सहमति लोगों को नहीं दे पा रहे हैं और लोग अपने घर पर सोलर रूफटॉप नहीं लगा पा रहे हैं। इस संबंध में हिम ऊर्जा को लगातार लोगों की शिकायत भी प्राप्त हो रही है। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, HRTC को मृतक के आश्रितों को 10.17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश। जी, प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त अधिनियम में मृतक हेमराज के आश्रितों को 10,17,000 रुपये का मुआवजा 9% ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आदेश पारित किए। अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोनल के उच्च निर्णय के संशोधित किया, जिसमें मृतक के आश्रितों को सिर्फ 6,73,000 रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए गए थे। मामले के अनुसार मृतक वाकना घाट से शिमला की तरफ आ रहा था, जिससे हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस ने टक्कर दी। दुर्घटना में हेमराज को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। विद्यार्थियों को राहत, स्कूलों में 31 मई तक ले सकेंगे दाखिला। HPU ने मेट और PG प्रवेश परीक्षा के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। जी, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहली से 12वीं कक्षा में 31 मई तक विद्यार्थी बिना लेट फीस दाखिला ले सकेंगी। इससे पूर्व 1 से 7 अप्रैल तक दाखिला लेने की अवधि निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक तिथि फिर से बढ़ाई। इसके बाद 7 मई तक तिथि बढ़ाई गई। अब दोबारा छात्र हित में दाखिला लेने के लिए तिथि को बढ़ाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से टला मेधावियों की लैपटॉप का आवंटन। जी हां, उच्च शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए जून के पहले सप्ताह तक लैपटॉप आवंटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। नतोड़ स्कीम 1975 के मामलों पर सिविल कोर्ट कर सकता है सुनवाई। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि नतोड़ स्कीम में आने वाले मामले सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ की ओर से भेजे गए संदर्भ में यह निर्णय दिया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खंडपीठ के सक्षम यह संदर्भ में भेजा था कि नतोड़ स्कीम में आने वाले मामले सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं या नहीं। तथ्यों के अनुसार करसोग के दीन नाथ को वर्ष 1980 में नतोड़ स्कीम 1975 में नतोड़ भूमि आवंटित की गई थी। वर्ष 1984 में उसकी मृत्यु होने के बाद यह जमीन उसके जायज वारसान में बट गई, जिन्होंने इस जमीन को याचिकाकर्ता को बेच दिया था।
सीबीआई करेगी मामले की जांच, सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। जय हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और आला अधिकारियों से मंत्रणा के बाद मंगलवार को यह निर्णय लिया है। वहीं यूपी एसटीएफ ने अंतरराज्यीय गैंग के दो आरोपी वाराणसी के छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार किए, जबकि हिमाचल पुलिस ने सोलन से बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में हिमाचल और अन्य राज्यों में 29 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर सीएम ने अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से पुलिस की विशेष जांच टीम की तारीफ करते हुए कहा कि वह कोई प्रश्न पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए निर्णय लिया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं करती तब तक एसआईटी तफ्तीश जारी रखेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 जून को राष्ट्रपति आएंगे। जय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 10 जून का होगा। कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने बताया कि समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि बीते 2 साल से कोविड महामारी के कारण दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया। अब 10 जून को होने वाले दीक्षांत समारोह में वर्ष 2017 बैच के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा वर्ष 2018-19 बैच विद्यार्थियों और विद्यास्पति के उपाधि प्राप्त शोधार्थियों को भी दीक्षांत समारोह में डिग्रियां दी जाएंगी। दीक्षांत समारोह के दौरान वर्ष 2017 की कुल डिग्रियाँ 585 और वर्ष 2018 की 532 और वर्ष 2019 की 605 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। सीएम ने जासवां परागपुर बीच में किए 190 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास। जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले की जासवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में 190 करोड़ रुपए की 39 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परागपुर को मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल गरली में चिकित्सकों के अतिरिक्त पदों के सृजन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाथरा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहना में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणाएं की। प्रदेश की 349 पंचायतों में खुलेंगे पशु औषधालय। जय हिमाचल प्रदेश के 349 पंचायतों में अभी तक पशु औषधालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से इन पंचायतों में पशु औषधालय खोले जाने हैं। इन पंचायतों में पशु औषधालय खोलने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से सांकेतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऐसे में यह मामला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन पंचायतों में पशु औषधालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फर्जी तरीके से लोन लेकर बैंक को लगाया 30 लाख का चूना, केस दर्ज। जी, राजधानी शिमला के देवरी खनेटी गांव में 2 लोग द्वारा फर्जी तरीके से बैंक से लाखों रुपये का लोन लेने के मामले सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने बैंक से मकान बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन क्षेत्र के पटवारी की रिपोर्ट में पता चला कि बैंक से लिए हुए लोन से आरोपियों ने कुछ भी नहीं बनाया। बैंक लोन के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गेहूं के निर्यात पर बैन के बाद यूरोप में खलबली। जी, भारत की ओर से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतों में सोमवार को भारी उछाल देखने को मिला। सोमवार को यूरोपीय बाजार खुलते ही गेहूं के दाम 435 रुपये प्रति टन पहुंच गए। इस साल फरवरी में रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान और उसके एग्रीकल्चर पावर हाउस पर हमले के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति नहीं होने की आकांक्षा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल देखा गया। पिछले साल के रिकॉर्ड देखे थे वैश्विक बाजार में गेहूं निर्यात के लिए इन दोनों देशों का 12% योगदान था। वही चलते हैं आज की आखिरी खबर। कुल्लू लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, इन जिलों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम। जी, हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच कुल्लू लाहौल की चोटियों पर दोबारा हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिली रही। हिमाचल के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिले किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 21 मई तक बारिश के आसार जताए गए हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 18 और 19 मई को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू के साथ लाहौल की पहाड़ियों में सोमवार रात को ताज़ा बर्फबारी हुई। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं।